हनी, भले ही आपने रैप की शुरुआत की हो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन उसके बाद बहुत सारे रैपर्स आए हैं, आपका करंटली फेवरेट कौन है? देयर इज अ क्रेजी गाय, लोको गाय, हिज नेम इज एमीवेवंटाई, ही इज क्रेजी, ही इज जस्ट अमेजिंग। अच्छा, एक बात हो रहा है कि मैंने रैप की शुरुआत नहीं करी थी, मुझसे भी कई सालों पहले बाबा सैकल जी को सुना हमने, एक वो स्टाइल भाई थे अगर किसी को याद होना हो, और उसके बाद शंकर माधवन जी ने भी ब्रेथलेस गाना गाया था, अपाची इंडियन, तो इन लोगों ने पहले ही बहुत अच्छी शुरुआत कर ली थी। मैंने सिर्फ ये कोशिश करी थोड़ा कमर्शियली रैप को करूँ, नॉट रैप ना लगे, लेकिन अब बहुत अच्छा इम्प्रूव कर गया हिप हॉप रैप, फिल्मों में एक्सेप्ट किया जा रहा है स्ट्रिक्ट रैप भी, और जिनमें से गली बॉय मूवी थी उनमें से विवान का रैप बहुत पसंद किया गया, हालांकि वो कमर्शियल नहीं था तब भी, तो बहुत अच्छा स्कोप खुल गया और सारे लड़के बहुत कमाल काम कर रहे हैं। माई फेवरेट इज़ एमीवे। हाय, दिस इज़ साक्षी फ्रॉम E24। जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रही थी तो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आई आपके बारे में, दैट यू आर अ पार्ट ऑफ इल्यूमिनाटी एंड या दैट यू आर अ पार्ट ऑफ इल्यूमिनाटी एंड योर हैंड जेस्चर्स इन योर वीडियोज शो केस दैट लाइक दिस साइन एंड दिस साइन एंड देन इट्स नथिंग लाइक दैट। अगर आप कुछ भी चीज़ को बोलते हैं कैसी है, फंटास्टिक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली थ्योरी यही थी कि बिकॉज कोई थ्योरी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पाजी गाने बनाने में बिजी हैं, वो थ्योरी प्रैक्टिकल कुछ नहीं करते हैं। आपको गाने के बारे में ज़रूर पूछे, बड़ा ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है, बहुत ही प्यारे लिरिक्स हैं, इतना चंगा वीडियो है, तो ज़रूर मैं अपनी मीडिया फ्रेंड्स को थोड़ी सा गुजारिश करूँगा थोड़े गाने पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। बाकी पाजी की लुक तो हमेशा हिट है। हनी, आप अभी रिहैब से आए हैं और उसके बाद ये जो गाना है इसमें मैं रिहैब गया ही नहीं कभी, खबरें ऐसी थी कि आप खबरें तो बहुत थी ना, ठीक है। हाँ, तो आपने जो भी ट्रीटमेंट लिया होगा अपने हेल्थ के लिए या जिन भी चीज़ों के लिए, गाने की शुरुआत ही दारू से हो रही है, सो क्या आप इन चीज़ों पे कंट्रोल कर रहे हैं अपनी लाइफ? नहीं, मैं तो नहीं पी रहा हूँ, लेकिन कहीं पे भी आप पार्टी करते हैं तो अल्कोहल बहुत बड़ा एक रीज़न होता है कि हाँ लोग पार्टी करने जाते हो तो करते ही करते हैं। इनफैक्ट हमारी सरकार भी वाइन शॉप, लिकर शॉप खोल के देती है, जब वो बंद हो जाएंगे तो हम गाना में भी गाना बंद कर देंगे। हाय, ओ सो हनी, सबसे पहले तो मुंबई से काफ़ी कटे कटे से नज़र आए हैं कुछ लंबे समय से, कुछ वक्त से, कोई ख़ास वजह रही इसकी? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं, एक्चुअली तो मैं रहता भी दिल्ली में हूँ, तो बॉम्बे आते हैं मेरी कर्म भूमि है, यहाँ पे आते हैं काम करते हैं और फिर चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, तकरीबन 2-3 साल से मैं बहुत सारे गाने बना रहा था और तकरीबन 38 सॉन्ग्स मैंने टी श्री भूषण जी को पिछले महीने दिए और कहा कि इसका कुछ करते हैं, तो इतना वक्त इसी में लगा कि बहुत गाने बन रहे थे और मेरे गाने को शूट करने के लिए टाइम बहुत चले जाता है, तो साल में 2 या 3 गाने आ पा रहे हैं, लेकिन आपकी ब्लेसिंग्स है, हम बहुत सारे गाने इकट्ठे शूट कर रहे हैं अभी और जल्दी गाने आएंगे। इसके अलावा लिरिक्स पे कितना ध्यान देने लग गए हैं अब, क्योंकि थोड़े बहुत कभी कभी फंस जाते हैं लिरिक्स की वजह से आप, तो अब थोड़ा लिरिक्स पर ध्यान देना सीख लिया है या देने लग गए हैं ध्यान? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जितना समय में आता ठीक है, लेकिन अगर कोई सजेस्ट करता है कि थोड़ा इजी कर दो लिरिक्स को तो इजी कर देते हैं। ओके हनी, मुंबई की इतनी गर्मी में आपने जो कैप पहनी है वो स्टाइल के लिए या कोई और रीजन? स्टाइल, सब कुछ स्टाइल है, देखो ये टाई एंड डाई वाली पहले चुन्निया होती थी, मैंने वैसे डेनिम बनवाया है, सब स्टाइल है, उल्टा वेट करने का मजा ही कुछ और है। सो ये आपका कोई कैप गोज विद द पैंट्स? यस। हनी हाय, नहीं हाय यार, वेल जब भी कोई सॉन्ग शूट करना होता है आपका तो स्टाइल हो, लोकेशन हो, सारी चीज़ें एग्जॉटिक होती है, इसमें आपका कितने इनपुट्स रहते हैं ये जानना चाहेंगे? लकीली मेरी टीम बहुत कमाल है, मेरी टीम में बॉबी इज़ माई मैनेजर, मिहिर इज़ माई क्रिएटिव डायरेक्टर, सिस्टर मेरी काफ़ी चीज़ें सजेस्ट करती है मुझे, मेरी वाइफ स्टाइलिंग पर बहुत ध्यान देती है, तो मेरे पास स्टाइलिस्ट भी हैं काफ़ी सारे, और बेसिकली क्या होता है जब गाना हम बना लेते हैं एक ऑडियो तो एक विजुलाइज हो जाता है कि हमने इसको इस तरह शूट करना है, तो यही ऑप्शन है कंट्रीज़ के, यही ऑप्शन है क्लोथिंग वाइब के, यही ऑप्शन है क्रिएटिव्स के, तो वो हम सॉर्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो अच्छा बन जाए वीडियो किसी तरह, तो टीम का बहुत बड़ा हाथ है, मैं तो सिर्फ पिक एंड चूज़ करता हूँ। और जब भी हम हनी सिंह के बारे में सोचते हैं पहली इमेज जो आती है दैट इज़ ब्लिंग, और आज जब हम आपको लॉन्च पे भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे विद दैट ब्लिंग, बट इज़ दिस द रियल यू? इट ऑलवेज दैट्स ऑल रियल ऑफ मी, बट थोड़ा सा फैशन थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो उसके हिसाब से मैं स्ट्रीट वेयर पहन रहा हूँ अब, वो ब्लिंग ब्लिंग सिर्फ विजुअल, बड़े विजुअल के लिए अच्छा है, यॉट पे खड़ा तो अच्छा है, अभी गाड़ी में आओगे तो ब्लिंक को ले जाएगा उठा के, सो इट्स बेटर टू गो लोको। ये मैं चलाऊँ ये सब पहन के इस रोड पे,
मतलब लोग आके आपको भगाना शुरू कर देते हैं, कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं, ये नहीं करना चाहिए, ट्राई आपने नहीं करना, उन पर अच्छा लगता है, हम पे नहीं, मतलब पाजी कर लेंगे तो हिट कर देंगे। एक और लास्ट क्वेश्चन मैं लूंगा अगर मीडिया के कोई हैं तो। हनी आपसे सवाल है, जब आपने सबैटिकल लिया था और उसके बाद जब आप आए, तो सबैटिकल के टाइम पर आपको लगा कि बिकॉज आप इतने बाहर नहीं जा रहे, यू नॉट आउट देयर, डिड यू एवर फियर कि इससे आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर काफ़ी फर्क पड़ेगा, डिड योर फाइनेंस गेट अफेक्टेड बाई एनी चांस? फाइनेंसिस तो देखो मैम, जिंदगी का मकसद कभी रखा ही नहीं, जब यहाँ से शुरू किया था, यहाँ से शुरू करें, यहाँ पहुँचे, किसी वजह से ब्रेक लग गई, तो अगर दोबारा भी शुरुआत हो रही है तो यहाँ से हो रही है और यहाँ जाएंगे इंशाल्लाह, तो वो कभी ऐसा नहीं मेरे को लगा कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। थैंक यू सो मच मेरे मीडिया के जितने भी दोस्त हैं।